अम्बाला छावनी के हाथी खाना मंदिर के पास हुई नगर परिषद की कार्रवाई का विरोध नगर परिषद की टीम के साथ गाली गलौज व हाथापाई कर पथराव करने की कोशिश पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। SHO थाना पड़ाव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए महिलाओं सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि नगर पालिका द्वारा आज सुबह हाथी खाना मंदिर के पास एक अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नगर पालिका टीम गई थी, लेकिन कब्जा धारकों ने नगर पालिका की टीम पर पथराव किया, यहां तक कि टीम के साथ हाथापाई तक भी की, जिसके बाद टीम को वापस जाना पड़ा। इस पर नगर पालिका अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और DSP रामकुमार ने SHO थाना पड़ाव के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वहां पर भेजी और पूछताछ के लिए पुलिस ने महिलाओं सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पड़ाव थाना के SHO देवेंद्र कुमार ने बताया कि सुबह नगर परिषद की टीम व पुलिस के साथ कार्रवाई में बाधा डालने और गाली गलौज करने की रिपोर्ट मिली थी। नगर परिषद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। ये नगर पालिका ने कार्रवाई की थी और नगर पालिका ने ड्यूटी मिस्टर नोट किया था, हमने फोर्स दी थी, तो उसमें कुछ लोगों ने गलत जो है ना पुलिस को रोका, बाधा डाली, सरकारी कर्मचारियों को रोका और जो है ना पथराव किया और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो संबंधित उनको शामिल तफ्तीश कर रहे हैं, जो कानून अनुसार कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। कितने लोगों को अभी तक अभी देखो ये जो पहचान रहे हैं नगर पालिका वाले उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्या केस बनाया है, क्या पुलिस का हाथापाई की, क्या अभी जो इन्होंने किया है तफ्तीश का विषय है, मुकदमा दर्ज किया गया है, जो होगा आपको बता देंगे, पूछताछ के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। सरकारी काम में बाधा डालने की इस मामले में पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। देखना होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।